सिर्फ इसलिए करते हैं कि नहीं मैं चौका मारूंगा, मैं छक्का मारूंगा, लेकिन यहाँ तो आपको आउट करने वाला एक भी बंदा नहीं है। आप चाहे तो चौके मारो या छक्के मारो, आपको कोई आउट नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके दिमाग को कोई चेंज नहीं कर सकता है। और सिर्फ दिमाग तभी बन पाएगा बस जब आप मेहनत करोगे, और कोई ऐसा दिमाग में ना बिठाए कि मेरी इकोनॉमी प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे बनते हैं जो इकोनॉमी प्रॉब्लम होते हुए भी आगे निकल जाते हैं। आपके सामने बड़े बड़े एग्जाम्पल, आप भी जानते हो, अब्दुल कलाम जिनके पिताजी नाव चलाते थे वो देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो ऐसे अपन को अपने अंदर भावना क्रिएट करनी पड़ेगी कि हम लोग कुछ कर सकते हैं, तभी आप बढ़ सकते हो। अगर आपने अपने अंदर बिठा लिया कि नहीं गवर्नमेंट की 500 वैकेंसी निकली है, 2500 में से 400 तो बिक गई है, 100 बची है, अरे आपको एक सीट से मतलब या 500 सीट से मतलब? अगर आप अपनी मेहनत करो तो एक सीट आपके लिए बुक है। वो ऐसा कहीं नहीं है कि उस इंटरव्यू में इतना पैसा लिया जा रहा है, उस इंटरव्यू में ऐसा पैसा लिया जा रहा है। ये सिर्फ अपन एक कोई भी अपन बांट देते कि नहीं ये कांग्रेस की सरकार है, ये बीजेपी की सरकार है, वो नौकरी देती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास आप उसके काबिल हो तो आपको नौकरी मिलेगी और 100% मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे मन में ललक है तो निश्चित रूप से हमारा स्थान होता है, ये वास्तव में सही है। क्योंकि जब नौकरी में अगर हम जाएं और हमारे मन में ये सोच ले कि जो पहले नंबर की नौकरी है वो तो मेरी, बाकी कोई इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वास्तव में आपने बहुत अच्छी बात बताई। बिना किसी भूमिका के साथ मैं आमंत्रित करूंगा 12वीं विज्ञान संकाय की बालक और बालिकाओं को कि वो आएंगे और अपना पुरस्कार। गांधी मैं आमंत्रित कर रहा हूँ पीयूष नागर, मैं तीन को रोक रहा हूँ, पहले तीन को रोक रहा हूँ, वो उसके बाद करेंगे। सभी अतिथिगणों से मेरा अनुरोध है, आने में हम लेट होते हैं और जाने में जल्दी करते हैं। आप सबसे मेरा अनुरोध रहेगा इस कार्यक्रम के समापन के बाद डाबला वालों ने बहुत ही अच्छी भोजन की व्यवस्था हम सबके लिए की है, इसलिए प्लीज जाएं नहीं, हमारा कार्यक्रम अभी शेष है। और हमारे मुख्य अतिथि महोदय, क्योंकि हमारे अतिथि महोदय को हम ऐसे सरलता से नहीं आंक सकते, भानपुरा से आप कितनी परिस्थितियां छोड़कर यहां हमारे बीच में आए हैं, और एमएलए साहब इतना सब व्यस्तम कार्यक्रम छोड़ के हमारे बीच में आ रहे हैं, तो कुछ व्यवधान भी नहीं कह सकते इसको, उनकी बहुत बड़ी मजबूरी है जिसके कारण वो समय पे हमारे बीच में नहीं पहुंच पाए, पर ये हमारे लिए गौरव की बात होगी कि वो हमारे बीच में आ रहे हैं, वो जल्दी हमारे बीच में आएंगे। और एक आवश्यक सूचना है, जो भी समय बंधु बाहर से पहुंचे उन सभी से विशेष निवेदन करता हूं कि ग्राम डाबला करवाड़ी ढाकर समय बंधु की ओर से विशेष भोजन की व्यवस्था रखी है, तो कृपया करके आप भोजन ग्रहण करके ही अपने स्थान पर पहुंचे हैं, ये थोड़ा अच्छा रहेगा। धन्यवाद। पीयूष नागर, सुरेश कुमार नागर, पीयूष नागर, सुरेश नागर, सुनील साइंस 92.40%। पीयूष कम ऑन फास्ट, अगर हमने नाम बोल पीयूष, चलो नंदराम जी, भवनलाल जी और अध्यक्ष महोदय हिरलाल जी, चीफ गेस्ट साहब को जरा सीधे आराम कर लेते। रोहित नागर, पुरीलाल जी नागर, सुनील 94%। मैं पहले तीन को बाद में बुलाऊंगा, रोहित नागर, पुरीलाल जी नागर, सुनील 94, रोहित, संदीप नागर, भगवान सिंह नागर, गडारा 91%, संदीप नागर, गडारा। बारहवीं साइंस के जितने भी बालक 91% से ऊपर है तैयार रहे हैं। शुभम नागर, सुरेश कुमार नागर, सुनील 93.20%, सुरेश, शुभम नागर, सुरेश नागर, ज्ञानचंद, रोरूलाल पौखेड़ी, ज्ञानचंद नागर, रोरूलाल नागर पौखेड़ी, रवि नागर, बालचंद नागर, गडारी देवनगर, ये ज्ञानचंद आ रहा है, इसके पीछे रवि, बालचंद, गडारी देवनगर 90.40%, विजयनगर, जानकीलाल जी नगर, गडारी देवनगर 90.80%, विजयनगर, जानकीलाल जी, गडारी, अभिषेक नगर, रामलाल नगर, सुनील 92.60%, अभिषेक, रामलाल जी नगर, सुनील, अभिषेक, प्रमोद कुमार, नरवर सिंह, कादल नगर, प्रमोद कुमार, मनीषा कुमारी, मनोहरलाल, कादल नगर, संदीप को बोल दिया,
ठीक है। देखिए ये जो बालक है, आपको नासा का नाम आपने सुन रखा होगा, बहुत ही अच्छा कार्य किया है इसने, जोरदार तालियां होनी चाहिए। अमेरिका में है नासा, और नासा में उल्का पिंडों की खोज, हमने पढ़ा है सामाजिक विज्ञान में उल्का पिंड किसे कहते हैं, उनकी खोज कादर नगर के दो लड़कों ने की थी, एस्टोरियन, और इनके जो सर थे दिव्येंदु सेन, उनको राज्यपाल ने भी इसी बात के लिए पुरस्कृत किया है। इन दोनों हमारे धाकड़ की इन प्रतिभाओं को के लिए जोरदार तालियां चाहूंगा। नासा के द्वारा भी इनका सम्मान हो चुका है अमेरिका के द्वारा, प्रमोद कुमार नरवर सिंह कादर नगर, मनीषा कुमारी मनोहरलाल कादर नगर, इसने भी इसी प्रकार का कार्य किया ना, निकिता नगर गोर्धनलाल नगर मिश्रोली, निकिता गोर्धन मिश्रोली, अंकित कुमार हेमराज धाकड़ हनोतिया, अंकित हेमराज जी धनोतिया हनोतिया हनोतिया, युवराज धाकड़ जगदीश चंद जी धाकड़ यशवंतपुरा, युवराज कोई बात है ठीक है। अंकित हेमराज जी, युवराज धाकड़ जगदीश चंद यशवंतपुरा, राधा नागर विनोद नागर मांडेगांव, राधा नागर विनोद नागर, हेलो माया नागर बालचंद जी रुल्ला, माया नागर, पूजा नागर गोपाल जी नागर मिश्रोली 93.20%, पूजा गोपाल नागर मिश्रोली, और इसके लिए हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि पूजा नागर की 91.35 रीड में, प्लीज ये जितने भी साथी लोग बाहर खड़े हैं मेरा आपसे अनुरोध है, खड़े वाले साथियों से अनुरोध है प्लीज बैठ जाएं, इधर आगे आ रहे हैं मेरे साथ आ रहे हैं, वापिस आना है तो कृपया आप सभी देरी बनाए रखें, अभी जान ही रहे आप चिंता नहीं करें। मंगल सिंह राधेश्याम नूरपुरा, मंगल सिंह राधेश्याम नूरपुरा और उषा नागर जगदीश सिंह गादिया, तीन छोटी अब मैंने तीन रख लिए, अब वो तीन कौन कौन है आप खड़े करो, मैंने तीन रख लिए, अब किसका नंबर नहीं आया 12वीं विज्ञान में, किसका नंबर नहीं आया, तेरा नहीं आया, आपका नाम क्या है, नाम बताओ, अर्चना, सविता, तुम्हारा नाम नहीं आएगा अभी, नहीं आएगा, आपने ऐसा काम नहीं किया कि अभी आपका नाम ले, और कौन है, और कौन है, दो लड़कियां और है अभी तो, अरे भाई दो लड़कियां और कौन रह गई जिसने फॉर्म भरा, तुमको सबको मिल गया क्या, 12वीं विज्ञान में दो लड़कियां और, एक तो एक कविता है, एक और कौन है, तुम्हारा नाम क्या है, दिव्या, आपका नाम मिल लेंगे अभी देर से लेंगे, हाँ और कौन है, एक और आपने इतना बड़ा काम थोड़ी किया जो आपका नाम अभी से ले दे, हम देर से लेंगे। अच्छा मैं आमंत्रित कर रहा हूं इसी श्रृंखला में, वेट करें, स्नातकोत्तर स्नातक कुलदीप नागर भगवान लाल जी गादिया, स्नातक 77% कुलदीप नागर भगवान जी नागर, अध्यक्ष महोदय कुलदीप का ताने से स्वागत करें, चलो ग्रेजुएशन में 77% काफी बड़ा प्रयास कह सकते हैं, ग्रेजुएशन में थोड़ी दिक्कत आती है पर्सन बनाने में, कुलदीप नागर 77%, अंजू नागर रमेश चंद जी हनोतिया 76.39%, अंजू नागर हनोतिया, परिजन रीना कुमारी बालमुकुंद पुरन केड़ी 80%, स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में रीना कुमारी बालमुकुंद जी नागर, रीना आई क्या, बालमुकुंद जी आए, आओ
भूपेंद्र कुमार नागर, बालचंदी नागर, छबरा पाटन, 60% स्नातक LLB, वकील साहब। वकील साहब कहाँ है भाई, आपसे तो बहुत काम पड़ता रहता है, हम लड़ेंगे ना आपके पास आएंगे। छबरा पाटन से भूपेंद्र जी नागर, वकील साहब किधर हैं? वकील साहब हाजिर हो, वकील साहब के प्रतिनिधि के रूप में कोई हो जागरा पाटन से? वकील साहब ही नहीं आए, फिर कैसे कहेंगे हाजिर हो? बोल भारत माता की। एमएलए साहब, नागर साहब, ये केदारनाथ धाम है ना, उस पार है, मतलब मेरे को जब समाचार मिले थे उन्होंने कहा 10 मिनट में पहुंच रहे, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उस पार आगे होंगे, तो उनको पता चल जाना चाहिए कि कार्यक्रम अभी चल रहा है, पता चले कि कार्यक्रम खत्म हो गया तो हो सकता है वापस भी चल जाए। एक बार जोर से बोलेंगे, बोले रविंद्र भगवान की। मजा नहीं आया, ये लड़के तो बहुत चल रहे लड़कियों से। एक बार जोर से बोलेंगे, बोले रविंद्र की। नहीं, मैं तो संतुष्टि नहीं, दोनों हाथ ऊंचे करके बोलेंगे, बोलो केदारनाथ भगवान की। भाई आप तो खड़े कर नहीं सकते, अगर मैं भागवत जी कर रहा होता और मैं यूं कहता दोनों हाथ ऊपर करो भगवान कुछ देगा, तो सब हाथ ऊपर कर दे, क्योंकि वहां तो लेने की भूख थी। अब यहां तो यूं कह नहीं सकता ना कि हाथ ऊपर करो राधे, बोले बजरंग बली की, हाथ ऊपर करके बोले बजरंग भगवान की। अब पंडित जी होते यूं कहता था कि एक ही हाथ रखे हो गई। चलिए, मेरे कुछ साथी अभी भी नहीं सुन रहे, वो किसी की नहीं सुनते, उन्होंने कभी सुनी नहीं किसी की, वो खड़े ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। भाइयों, हमारे अतिथि महोदय हमारे बीच में पधारने वाले हैं। नहीं, तीन तीन स्नातक हो गया। हमारे साथी, हमारे मुख्य अतिथि महोदय, दूसरे मुख्य अतिथि महोदय, उनको लेने गए, आपने देखा होगा, वो बहुत जल्दी हमारे बीच में आने वाले हैं। उनके सम्मान में इस प्रकार से अगर खड़ा रहेगा ना, अगर रहेंगे ना, तो ये हमारे लिए अच्छी बात भी होगी। हम आपसे बार बार अनुरोध कर रहे हैं, पर फिर भी नहीं सुन रहे हो, वो पुलिया पे आगे। अब मैं आपसे बार बार अनुरोध करूं और कार्यकर्ताओं से मैं अनुरोध करूंगा कि इन भाइयों को बिठा दे, और अगर आपका मन नहीं है खड़े होने का, इधर पर्दे के पीछे चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कमी करना। और अतिथि महोदय आगे, आपको मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, आप अगर सामने खड़े रहेंगे तो हमारी तोहीन होगी, इसलिए आपसे अनुरोध है या तो बैठ जाए या सामने चढ़ जाए। अगर आप इज्जत मानते हैं कि हम खड़े रहने से हमारी इज्जत है, तो आप खड़े मत हो, यहां पीछे चले जाओ पर्दे के, और वहां मीडिया भी बैठ गए, कोई दिक्कत नहीं है, पर अतिथि सामने बैठे रहेंगे, हम सामने खड़े रहेंगे, ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, हम बैठेंगे नहीं, भले चल जाएंगे। कड़वा बोलना अच्छा नहीं लगता, आप भले गाली दे लेना मेरे को, कोई बात नहीं, हमारी मास्टरों की आदत तो गाली खाने की है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं विशेष डिग्री के लिए श्री हरि सिंह जी बोरखेड़े के सुपुत्र देवेंद्र नागर को जीएट 2021 में क्वालिफाई करने के लिए। हरि सिंह जीएट एमबीए, जीएट एमबीबीएस और एमबीबीएस, बहुत गौरव की बात, आपका बेटा अगर डॉक्टर बन जाए ना तो पता बता देना मेरे को, ताली तो बजा दो इसके लिए। देवेंद्र नागर हरि सिंह बोरखेड़े जीएट 2021 में क्वालिफाई किया भारत ने, चारों लोग सब खुशन, डॉक्टर साहब कैलाशी धाकर, पुष्पवंत प्रेसिडेंट बिरला कॉलेज, जनपद साहब भवानीलाल जी धाकर और पूर्व अध्यक्ष तुलसीराम जी अभिनंदन कर रहे हैं। पुष्पवंत नागर राधेश्याम जी अलावा एमबीए उत्तीर्ण, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए में क्वालिफाइंग पुष्पवंत नागर अलावा राधेश्याम जी नागर पुष्पवंत, आप ही है, मजा आ गया, सामने आओ। यार मैं तो इसलिए चक्कर में पड़ गया कि पापा का नाम तो बल्लू है। जोरदार तालियां खुशवंत के लिए, मास्टर ऑफ बिजनेस, देखिए कितने गौरव की बात है, एक प्रेसिडेंट ने एमबीए करके हमारे समाज का नाम गौरवान्वित किया है, और पुरस्कृत हो रहे हैं माननीय डॉक्टर साहब से, भवानीलाल जी धाकर साहब से, जनपद साहब से और अध्यक्ष महोदय से। खुशवंत प्रेसिडेंट बिरला कॉलेज भवानी मंडी,
रवि नागर, नाथूलाल जी नागर बोर केड़ी, जेट 2021 क्वालिफाइंग, रवि नागर नाथूलाल जी बोर केड़ी, रवि है क्या, रवि बोर केड़ी से मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर बबलू नागर प्रहलाद सिंह जी गादे मुख्य एमबीबीएस 2021। रवि नागर नाथूलाल जी हमारे बीच में, डॉक्टर बबलू बहुत ही समाज सेवी, बहुत ही समाज के प्रति सोचने वाले, ब्लड डोनेशन कैंप को या झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में जाकर समाज के साथियों की सेवा उसके लिए हमेशा तैयार रहने वाले हमारे बबलू नागर एमबीबीएस डॉक्टर बबलू नागर जो गादे बुक्सिया से हैं, बहुत बहुत स्वागत, वेलकम दोस्त। 2021 पास आउट अभी हमारे डॉक्टर हैं बबलू जी, झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में ही आप सेवाएं दे रहे हैं और झालावाड़ कॉलेज हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं आप दे रहे हैं डॉक्टर बबलू जी। डॉक्टर साहब कैलाशी ढाकर और अपने सीनियर से यह सम्मान प्राप्त करते हुए डॉक्टर संदीप नागर जेतराम नागर हनौतिया एमबीबीएस, डॉक्टर संदीप नागर हनौतिया, डॉक्टर संदीप चलो कोई बात नहीं, अंकल जी आ जाए, जेतराम जी के भाई बता रहे, बहुत बहुत स्वागत संदीप का, जेतराम जी के सुपुत्र हनौतिया के निवासी, क्या बात है, दोनों भाई अगर किसी घर में और दोनों ही डॉक्टर बन जाए तो समझ लीजिए हमारा घर का उद्धार, बट नॉट बंटाधार, कहीं सोच रहा हूँ मैं आपके बंटाधार, दो बेटे हैं दोनों डॉक्टर, ये बहुत मुश्किल से उदाहरण बनता है। हमारे भवानी मंडी में एक सर है जिनका नाम रमेश जी राठौड़ है और उनके दो बेटे हैं दोनों डॉक्टर हैं और उनकी पत्नी भी डॉक्टर है, डॉक्टर अतुल राठौड़ और एक और का नाम शायद दिमाग में नहीं आ रहा, तो देखिए क्या क्षमा रहती है उस परिवार की जिसमें दो बेटे डॉक्टर हो, ये भी एक ऐसा परिवार हमारे घाघर समाज के लिए गौरव की बात है। डॉक्टर संदीप और डॉक्टर बबलू बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन, थैंक यू सर, बिराजे खेलकूद के साहित्यिक और सम्मानित क्षेत्र में बालकों ने भी बहुत अच्छा स्थान प्राप्त किया, उसके लिए मैं सब जूनियरशिप चैंपियनशिप के लिए पुष्पेंद्र जितेंद्र सिंह मंडल सुनील को आमंत्रित कर रहा हूँ, गोविंद जी भाई साहब बता रहे वो तो गए, दीपक कुमार जी बालाराम जी नागर गादर नगर खगोली विज्ञान नासा द्वारा सम्मानित, गोविंद कुमार वेरी गुड, दीपक कुमार मैंने आपको कहा था नासा, नासा का नाम सुनते ही नसें तन जाती है, जोरदार तालियां होनी चाहिए, नासा अमेरिका में है अपने भारत में नहीं है, ये बेसानी नहीं जी जी कादर नगर बहुखेड़ी, नासा अमेरिका में वहां के द्वारा ये बालक सम्मानित हुआ है, तालियों में बहुत कमी थी, जितनी मेहनत इन बालकों ने की उसके हिसाब से तालियां नहीं बजी और हमारे भाई लोग को तालियां नहीं बजा रहे, पता नहीं इसने क्या करा नासा में, जोरदार तालियां, खगोली विज्ञान में नासा द्वारा सम्मानित कादर नगर का ये बालक दीपक कुमार बालाराम नागर, मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा इनके माता पिता को कि आपके बालक ने अभी बहुत अच्छा काम किया है, आप इसका पीछा मत छोड़ना, अगर ये बालक बढ़ना चाहेंगे तो बहुत आगे जाएंगे, बस ये कि आपको इनका साथ देना पड़ेगा। दिव्या कुमारी पुरीलाल कादर नगर इंस्पायर अवार्ड, दिव्या कादर नगर इंस्पायर अवार्ड, ये इंस्पायर अवार्ड एक बहुत अच्छी हमारी योजना होती है राज्य सरकार की, जिसमें विज्ञान में बालकों के द्वारा विशेष प्रकार के कार्य करने पर इन बालिकाओं को पैसे के साथ पुरस्कार मिलता है, वो पुरस्कार इस बालिका ने प्राप्त किया है इंस्पायरेशन के लिए। सोदान सिंह नागर शोभाग्राम शोभाराम नागर गाद्य कक्षा कवि उदय कमल साहित्य मंच द्वारा साहित्य सेवा में पुरस्कार, सोदान नागर शोभाराम कवि साहब, एक कवि हमारे बेरुलाल जी बैठे हुए, दूसरे कवि के द्वारा हमारे मन संचालन की जो मैं बोल रहा हूँ ये व्यवस्था है बालचंद जी, और ये तीसरे हमारे कवि हैं उदय कमल साहित्य मन संचालन में आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, बहुत बहुत धन्यवाद सोदान नागर। बेरुलाल नागर जगन्नाथ नागर विश्वनी साहित्य सेवा कवि नकराला भारतीय काव्य मंचों पर काव्य पाठ करने के लिए आपको, जैसा मैं आपको बता ही रहा था हमारे विश्वनी के कवि हैं ये बेरुलाल जी नागर, यार आप इनके लिए तालियां क्यों नहीं बजा रहे हो, कविता मुख्य अतिथि आ जाएंगे उनके बाद सुनेंगे, ये मेरे पास समय हुआ तो, क्योंकि हमारे समाज में एक रीति है लेट आना और बिना खाए खाए ना जाना, क्योंकि आ जाएंगे तो लेट एक बजे दो बजे तक तो मीडिया देते रहेंगे फिर आएंगे और भी अरे मोड़ो हो गए पांच ने चार बार कह दिए समाचार, अरे मोड़ो हो गयो, अरे मोड़ो हो गयो,
यार आए तो 1 बजे 1:30 बजे कार्यक्रम चालू हुआ और इन बच्चों के लिए कार्यक्रम करा और आपके ना घोड़ो हो गयो तो फिर हम नहीं सुन पाएंगे। विनोद नागर, प्रदीप सिंह धाकर, सुनील, इंदौर मैराथन में, इंदौर मैराथन में विनोद नागर, प्रदीप सिंह नागर, सुनील आया क्या? देवेश नागर, रघुवीर सिंह नागर, मल्लाव का कबड्डी प्रतियोगिता में जिला स्तर पर प्रथम स्थान, देवेश ने 10वीं में भी इनाम लिया था। देवेश, रोहित कुमार, पप्पूलाल नागर, कादर नगर, खगोली विज्ञान, नासा, नासा वालों के लिए तो ताली बजानी पड़ेगी यार आपको। और जो मेरे अभिभावक घर भी बैठे ना, नरवर जी ताली बजाओ, अपने बच्चे भी थे। और ये देखो आप सबसे बड़ी बात, छोटा सा गांव है सुनेल, जिसको छोटी सुनेल कहते हैं, तो मोटी सुनेल वो बता दो, चलो मोटी सुनेल का कपड़ा लड़का आया 3-4 होगा, और छोटी सुनेल और छोटी सुनेल के बाद में कादर नगर, एक छोटा सा गांव जब देखो जो कादर नगर, कादर नगर, तो ये वास्तव में कादर नगर में दम है। और कादर नगर के लड़के नासा से इनाम ले तो बहुत दम है, जोरदार तालियां होनी चाहिए इस बात के लिए। देखो फिर आगे वापस, शालू कुमारी, नंदराम, कादर नगर, खगोली विज्ञान, नासा, इतनी सी छोरी ने अमेरिका से इनाम लिया, यार ताली बजा दो ना आप तो, वास्तव में बहुत कंजूस है। वो पीछे वाले तो एक भी ताली नहीं बजा रहे। ये डॉक्टर साहब, बबलू जी, आपके पास वाले से वो यार ताली बजा रहे, लड़की ने इनाम लिया है अमेरिका से, जोरदार ताली होनी चाहिए बालिका के लिए। नरेंद्र नागर, चिन सिंह नागर, गादिया, कबड्डी राज्य स्तरीय, कबड्डी खेल के आया राज्य में, मत बजाओ तालिका को मन यार, प्रज्ञा नागर, बने सिंह नागर, संधारा, देखिए आप देखो हद कर दी ना इस प्रज्ञा ने, तो इस प्रज्ञा कहां है प्रज्ञा? नरेंद्र नागर, पिता श्री चैन सिंह नागर, कोक्षा गादिया, ये बंदा 2 बार कबड्डी में स्टेट खेल चुका है, ताने से ज्यादा नरेंद्र नागर का, बहुत ही शानदार खिलाड़ी है, और फाइनल में इसके पैर में लग गई थी, किस वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन ईश्वर से कामना करते हैं नरेंद्र। बहुत स्वागत माननीय मुख्य अतिथि महोदय नरेंद्र जी नागर साहब हमारे बीच में पधार चुके हैं, और साथ में मुख्य अतिथि के रूप में देवीलाल जी नागर साहब, विधानसभा सदस्य मध्य प्रदेश और विधानसभा सदस्य राजस्थान, हमारे झालावाड़ के गौरव, और हमारे अपने इस क्षेत्र के जाने माने, और हमारे माननीय नरेंद्र जी नागर साहब मुख्य अतिथि महोदय आज के कार्यक्रम के हमारे बीच पधार रहे हैं, मैं जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन का स्वागत करता हूं। मेरा अभी अनुरोध रहेगा मेरे पीछे खड़े हुए भाइयों से, कंधे से कंधा मिला के खड़े पाटन वाले सभी साथी, चेतन, चेतन इन सबको अंदर ले जाओ, जितने भी खड़े उन सबको अंदर ले जाओ, सभी पधारे और बीच में यहाँ मिला दे, आपकी महती कृपा होगी, आपसे सारा अनुरोध कर रहा हूँ, आप सभी यहाँ पे मिला दे एक बार। और मैं आखिर आज के अखिल भारतीय सिद्धाकर महासभा जिला इकाई के मुख्य, हमारा हमारी जो इकाई है अखिल भारतीय सिद्धाकर कर्मचारी संघ, उसके तत्वावधान में रामकुंड दादाजी धाम पर आयोजित इस प्रतिभा सम्मान समारोह में आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में माननीय नरेंद्र नागर साहब, खानपुर विधानसभा के हमारे विधायक, और बालपुरा विधानसभा के हमारे माननीय देवीलाल जी धाकर साहब मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में विराजमान है। मैं अखिल भारतीय धाकर महासभा की समस्त इकाई की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं मानता हूं आपने अपने इतने सारे कार्यक्रमों को छोड़कर आज हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत कर हमारी नव प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए यहाँ पर आप आ रहे, हम गौरवान्वित हैं, हमारे बालक और बालिकाएं आपके इस गौरव से अभिभूत होंगे। हम आपसे अनुरोध, आपने हमारे अनुरोध को स्वीकार करके आप यहाँ बधा रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे जिला अध्यक्ष महोदय माननीय प्रदीप सिंह जी धाकर साहब, आर्यन जी, स्थानीय गांव के श्री लालचंद जी, जानकी लाल जी ढाबला, लालचंद जी और जानकी लाल जी ढाबला से अनुरोध करूंगा, आप भी बधा रहे हैं लालचंद जी ढाबला वाले और जानकी लाल जी, लक्ष्मण जी ढाबला वाले पधारे, लक्ष्मण जी, लालचंद जी, जानकी लाल जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
सर। श्रीमान सर उधर जाइए, आप भी उधर जाओ। ज्ञानचंद जी, महामंत्री जी, तूफान जी, जयलाल जी, सभी माननीय अतिथि महोदय का अभिनंदन करें, स्वागत करें। बेटा जल्दी से वापस आएंगे आप, और पीछे जो भी साथीगण खड़े हैं मेरा उनसे पुनः अनुरोध रहेगा, प्लीज खड़े नहीं रहें। अगर आपको जगह मिले तो वहीं बैठ जाएं, वहां नहीं तो हमारे पास आगे बहुत जगह है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन लालचंद जी और जानकीलाल जी से भी अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय को माला पहनाकर उनका अभिनंदन करें, प्रतीक चिन्ह में प्रदान करें और उनका अभिनंदन करें। देखिए मैं आमंत्रित कर रहा था प्रज्ञा नागर को, बने सिंह नागर संतारा। इस बालिका ने पूरे समाज में एक हटके कार्य किया, और हटके कार्य क्या किया, पढ़ाई तो सब करते हैं, खेलते भी सब हैं, कबड्डी भी खेल ली है, खगोली में नासा से भी लड़कियों ने इनाम ले लिया, पर इस बालिका ने आज के इस परिप्रेक्ष्य में ऐसी इवेंट में भाग लेकर कार्य किया है जो वास्तव में हम सबकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है योगा। संधारा से प्रज्ञा नागर को राज्य स्तर पर योगा प्रतियोगिता में स्थान प्राप्त करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। संधारा से कोई इसके परिचय है क्या? अब जो आप आदरणीय एमएलए साहब से अनुरोध करूंगा, दोनों ने एमएलए साहब से कि आप प्रज्ञा का जो इसके मामा जी है हमारे दौलत राम जी, इन्हें यह पुरस्कार प्रदान करके उसका गौरव बढ़ाएं, उस तक पहुंचाएं। अर्जुन नागर, राजा राम जी नागर पढ़ते के लिए गोलापेक, अर्जुन नागर गोलापेक में प्रथम स्थान। वर्षा नागर ओम प्रकाश सिद्धाकर मानलावता बैडमिंटन में राज्य स्तरीय, राज्य में बैडमिंटन प्रतियोगिता में आपने भाग लिया, समाज का गौरव बढ़ाया। तनिषा नगर बाबूलाल जी नगर मल्लावता बैडमिंटन में जिला स्तरीय। नेना नगर सूरजमल नगर मल्लावता बैडमिंटन में राज्य स्तरीय। अब देखिए बड़े बड़े गांव पीछे रह गए और छोटे छोटे गांव आगे। मल्लावता एक छोटा सा गांव जहां पे समस्त बालिकाओं ने जिला और राज्य स्तर पर भाग लिया। सरोज नगर मनोहरलाल जी नगर मल्लावता बैडमिंटन जिला स्तरीय। कोमल नागर मनोहर नागर मरलावदा बैडमिंटन राज्य स्तरीय। मनीषा धागड़ शोभाराम धागर मरलावदा बैडमिंटन राज्य स्तरीय। और कृष्णा नागर भगवान जी नागर मरलावदा बैडमिंटन में जिला स्तरीय। क्या तालियां नहीं बजा रहे आपको कंजूस है? मतलब एक मरलावदा जैसे गांव में आठ लड़कियों ने ये कितनी बड़ी बात है, लड़कियों ने राज्य स्तर पर खेलकर अगर यह इनाम ले रही है तो आपका दायित्व बनता है ताली बजाने का, जो ना ताली बजाए इनके लिए। अंजना कुमारी मोहनलाल यशवंतपुरा बैडमिंटन राज्य स्तरीय। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं लवी नागर कालूलाल जी नागर झगरापाटन को। लवी नागर कालूलाल जी नागर झगरापाटन राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज भोपाल में चयन हुआ है आपका। लवी नागर कालूलाल जी नागर झगरापाटन राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज भोपाल में चयन। सुनीता नागर रामप्रसाद नागर भवानी मंडी राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान जयपुर में आपका चयन हुआ है। सुनीता नागर रामप्रसाद जी नागर भवानी मंडी राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान बहुत बड़ी चीज है जयपुर। रिंकू कुमारी दुर्गा शंकर जी नागर देवनगर जिला स्तर विज्ञान मेला में द्वितीय स्थान। रिंकू कुमारी दुर्गा शंकर नागर जिला स्तरीय विज्ञान मेला
देखिए विज्ञान मेला भी कैसे हुआ था, मैं आपको जरा सा इसके बारे में, ऑनलाइन ये बालिका अपने स्कूल में थी, हमने जिला स्तरीय विज्ञान मेले का आयोजन भवानी मंडी किया था, इस बालिका ने उस विज्ञान मेले में ऑनलाइन प्रदर्शन करके और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, बहुत अच्छा। पंकज नागर हनुमान प्रसाद डाबलीपुर हो गया इसका, युवराज जगदीश चंद यशवंतपुरा जेई मेन्स एडवांस नीट में सिलेक्शन हुआ है, युवराज धागड़ जगदीश चंद धागड़ जेई मेन्स, जोरदार तालियां नन्हे से बालक के लिए। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं उन तीन बालिकाओं को जो इंतजार कर रही थी कि हमने ऐसा कौन सा काम बिगाड़ दिया जो हमारा नाम नहीं लिया, वो लड़की है दिव्या नागर जगदीश नागर छालवा पाटन, फर्स्ट 12वीं की आज की इस प्रतियोगिता में दिव्या फर्स्ट रही है 12वीं साइंस में, कम ऑन दिव्या, जोरदार तालियां, 99.40 आंखें चोरिया जाएगी आपकी, 99.4% मैंने आपसे भी, अरे यार इतनी तालियां बजनी चाहिए इसके लिए कि वापस बज नहीं हो, 99% कैसे आते हैं सोचो विचार करो, 2-4% लाके दिखा देना, एक बार वो तालियां चाहिए इसके लिए। अर्चना रामकिशन नागर बिरे खेड़ी, कहां है भाई अर्चना नहीं आई, पर बिरे खेड़ी से रामकिशन जी जरूर आए, मैं आमंत्रित करूंगा रामकिशन जी, राहुल बेन का इनाम भाई ले जा रहा है, अर्चना नागर नन्यानो फिर ताली बजाता ना यार नन्यानो के लिए, 99% किसे कहते हैं सोचो तो सही, लाके तो दिखाना, 99.20% अर्चना नागर रामकिशन जी, रामकिशन जी नागर हमारे बीच में विराजमान है, बहुत बहुत बधाई। और तीसरा स्थान कविता नागर मनोहर लाल जी नागर छलरा पाटन, यार ये तो बहुत हमारे बाकी के सब तहसील के लिए दुख की बात है कि सब पाटन वाले लगे, कविता नगर मनोहर जी नगर 96.97% तृतीय स्थान, आज की प्रतियोगिता का तीसरा इनाम ले जाती है हमारी बालिका। पुष्पेंद्र सिंह जितेंद्र सिंह जी मंडल सुनील सब जूनियर चैंपियनशिप में उत्कृष्ट सही स्थान प्राप्त किया है, पुष्पेंद्र सिंह जितेंद्र सिंह जी मंडल सुने, आदरणीय सरपंच साहब यहां पर विराजमान है, सरपंच साहब गोविंद सिंह जी मंडल, पूर्व सरपंच साहब गोविंद सिंह जी मंडल साहब बुला रहे हैं, आपके भतीजे ही है, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि आपके भतीजे ने विनोद नगर पृथ्वी सिंह जी धाकर सुनील ने इंदौर मैराथन में भाग लिया, पृथ्वी सिंह इंदौर मैराथन विनोद नगर पृथ्वी सिंह जी धाकर सुनील आया के विनोद विनोद सुनील पृथ्वी सिंह जी कोई भी हो परिजन रमेश जी वकील साहब कौन है विनोद सुनील से थैंक यू सर विराजे डॉक्टर सुनीता आयुर्वेद में ये बालिका आप इसको पहचानो, ये बालिका एक बार इनाम लेने आई थी, मैंने कहा था ये बहुत छोटी सी बालिका बहुत बड़ा काम किया है, एक बार जोरदार तालियां इस बालिका के लिए, उस समय भी आपने कार्य किया था, आज वापस जयपुर में आप डॉक्टर हैं, सुनीता नागर डॉक्टर आयुर्वेदिक संस्थान में MBBS है, और ये धागर प्रेस भवानी मंडी वाले प्रहलाद जी राम प्रहलाद जी नागर की बालिका, जोरदार तालियां इस बालिका के लिए, सुनीता सुनीता नागर राम प्रहलाद जी नागर भवानी मंडी राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान जिसे एम्स बोलते हैं, एम्स दिल्ली में भी हमारे बालक है, अब एम्स जयपुर में हमारी बालिका है सुनीता नागर, एक बार और जोरदार तालिका। ये जब दसवीं कक्षा पास करी थी इसने, जब टॉप किया था, पहला स्थान प्राप्त किया था, जब भी छोटी सी थी, देखो इतनी बड़ी डॉक्टर और इतनी छोटी सी, एक बार और तालियां इन डॉक्टर के लिए। हमारा समाज किसी भी मायने में किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, ये सिद्ध कर दिया आज की इन प्रतिभाओं ने, और ये दिखा दिया आप सबको कि हम छोटे हैं पर
इतना बड़ा सेटअप छोड़कर हमारे बालक और बालिकाओं को हमारे क्षेत्र को सेवा देने के लिए निश्चित रूप से बताते हैं, मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय लोक सभा को पधारे उद्बोधित करें आदरणीय लोक सभा में। सम्मानित मंच भाइयों बहनों, मैं भी अभी तक एक विद्यार्थी हूं। जैसा सर ने अभी कहा था कि छोटी सी बालिका, मैं भी जब MBBS में सिलेक्शन हुआ था मेरा नाम पूछा गया, नाम था कैलाश चंद्र धाकड़। मेरे टीचर ने कहा था तू कहां से धाकड़ है, हाइट नहीं मेरी, मैं दुबला पतला भी था, अब थोड़ा मोटा भी हो गया हूं। लोगों ने बहुत हंसी उड़ाई थी, पर हमने सोचा था कि हम धाकड़ हैं और धाकड़ रहेंगे। MBBS के टाइम पर मैं इतना ही जानता था कि MBBS ही सब कुछ होता है, जब पता चला कि ये तो कुछ भी नहीं है, जैसे अपन नर्सरी में पढ़ने जाते हैं वैसे नर्सरी है मेडिकल साइंस की। फिर बाद में मैंने PG किया जनरल सर्जरी के अंदर, तब भी पता चला कि ये तो पूरे पेट का और पूरे सिर का और सबका सर्जरी करना होता है। धीरे धीरे करके फिर बाद में हमने केवल पेट की सर्जरी की। कहने का मतलब इतना है कि जमाना बदल रहा है। मेरे टाइम की बात बताऊं मैं, जब मैं मेरिट में आया था मेरे मात्र 86% थे 92 के अंदर, अब आपके 99% आए हैं तो आपको कम्पीट किससे करना है कि जो आपसे ऊपर हैं। अब ऊपर कितने हैं इसकी संख्या आपको देखनी है। रही बात शिक्षा की, उसके अंदर मैं इतनी सी बात कहूंगा, अलसस्य कुतो विद्या अविदस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतस्कुम, यह मेरा संस्कृत का पहला श्लोक था जिसको बोल के मैंने संस्कृत में बहुत सारे अवार्ड ले लिए थे। कहने का तात्पर्य इतना सा है, यदि आप मेहनत करेंगे तो उसका फल जरूर मिलेगा। मेहनत में कमी नहीं रखनी है, यदि आपने फल की इच्छा की तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। शिक्षा जो कि अभी अपन बात कर रहे हैं केवल मात्र अंकों की बात हुई है, आज के जमाने में यहाँ पे बहुत सारे जिन्होंने रिसर्च किया है, कोई स्कॉलर आए थे, PG वाले भी बच्चे आए थे, कहने की बात इतनी सी है सामाजिक शिक्षा कितनी है आपके पास। जैसा कि सर 4-5 बार बीच में बोल चुके हैं, हमारे को मत भूल जाना, इसका नाम दिया गया है सोशल इंटेलिजेंस, इसका भी मापदंड होता है, नहीं तो फिर बाद में क्या कहेंगे, भाई बड़ी तो है पर गुणियों कौन है, खतरे का घड़ा जाए तो यूं भी खेते हैं कि अध गुणियों गलगा न खा रहे हो। इससे भी एक ऊपर का एक शिक्षा का महत्व है जिसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, अगले वाला क्या चाहता है अपने बारे में, उसके क्या भावना है, वो क्या चाहता है कि अपन कुछ उसके लिए करें। यदि अपन ये चीज समझ पाते हैं तो ही सक्सेस की सीढ़ी अपने को मिलेगी, परीक्षाएं तो आप बहुत सारी देते रहेंगे। दूसरे के दिल में जाकर के आप जब तक गहराई से उसका पता नहीं लगाएंगे कि ये क्या चाहता है, जरूरी नहीं कि मैं डॉक्टर हूं तो मेरी बात कर रहा हूं, कोई भी संस्था हो कोई भी काम हो, जैसे यहाँ पे राजनीतिक क्षेत्र के लोग भी बैठे हो, इनको पता होता है कि ये किस काम से आए हैं, इसको कैसे खुश किया जाए। शिक्षक होते हैं उनको पता होता है कि इसकी क्या मेन समस्या है, मैं ऐसा क्या करूं चाहे कि ये थोड़ा सा संतुष्ट हो जाए। यदि आप में वो इमोशनल इंटेलिजेंस आ गई तो आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे। एक मैं विशेष आग्रह यह करना चाहता हूं सभी से कि अपने यहां पे विशेष तौर से अपने समाज में सब कुछ संसाधन होते हुए भी बच्चों के खान पान पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हर घर के अंदर सुबह सबसे पहले चाय बनती है। मेरे पास पढ़ने वाले बच्चे बिहार से भी आते हैं, जैसे आपने बताया कि कुछ बच्चे मणिपुर में भी हैं, ऐसे मेरे पास हर क्षेत्र के पेट के रोगी के बच्चे आते हैं। सबकी सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि साहब पेट दर्द हो रहा है, मैंने कहा क्या खाया था, सुबह उठते ही चाय पीते हैं, एक सबसे बड़ा जहर तो आपने ले लिया, साहब मैं बस इतनी सी लेता हूँ। फिर मैंने एक उसका फॉर्मूला निकाला समझाने के लिए, भाई चाय कितने भी बड़े बुजुर्गों की बात बता रहा हूँ मैं, आप चाय कितनी भी पिला देना अपने पिताजी को माताजी को, साथ में 500 का नोट